राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर हो रही है। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में हुई घटना को लेकर प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। वो 15 साल की बच्ची जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती है, उस बच्ची के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसको फेंकने की जो घटना हुई है, वास्तव में पूरे राजस्थान की कानून व्यवस्था देश नेस है। इस कानून व्यवस्था के कारण पूरा राजस्थान अपने आप में खपा है, काफ़ी परेशान है, जनता दुखी है। और कानून नाम की कोई चीज़ इस बची नहीं है, क्योंकि आपस में झगड़ने से कांग्रेस की गौरव साहब की सरकार को टाइम नहीं है। इसलिए आज पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने, अभी एक घंटे पहले सूचना मिली है, और प्रदेश के नेतृत्व में हम सब लोगों ने यहाँ नगर मंडल की तरफ से, हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, हम सब लोगों ने यहाँ गहलोत साहब का पुतला दहन किया है। और इससे हम सब सोचते हैं कांग्रेस सरकार को अभी भी सद्बुद्धि आए। जो 1.5 साल इनका बच्चा है, वास्तव में व्यापारी कैसे सुरक्षित रहे, महिलाएं कैसे सुरक्षित रहे, बच्चे कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए कानून व्यवस्था के बारे में थोड़ा सोचें। कानून व्यवस्था के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पूरी राजस्थान की कानून व्यवस्था चकनाचूर हो चुकी है। सब लोग परेशान है। कोरोना का गाइडलाइन रखते हुए कोरोना का भी ध्यान रखें और कानून व्यवस्था की भी ध्यान रखें, ऐसी हम सब लोग मांग करते हैं। और आने वाले दिनों में अगर इस तरह नहीं किया तो ईंट से ईंट बजाकर इस राजस्थान को हम धरना प्रदर्शन ज्ञापन सब कुछ करेंगे। और इस बलात्कार की घटना को CBI से जांच करवाकर इसका निष्पक्ष जांच करें। जिस लोगों ने इस तरह की घटना घटी है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए।